रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की है ये राहें, ऊंचे स्वयमान की है ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत करती हैं आपका रूहानी राहें। दुनिया को बदलना आसान है दोस्तों, मगर शर्त इतनी सी है कि शुरुआत अपने से हो। और इस संसार में बहुत सारे प्यारे मानव ऐसे हैं जो इन महान पंक्तियों को जीते हैं और संसार के आगे एक प्रेरणा रूप बन के मिसाल बन के उभरते हैं। रूहानी राहें कार्यक्रम ऐसी कुछ दिव्य विभूतियों से आपका परिचय कराता है। आइए आज मिलते हैं उनसे जिनके नाम में भी हरि है और हृदय में भी हरि है, जिनके जीवन में हरि का ईश्वर का पूर्ण प्रकाश है। वो हैं भ्राता ब्रह्मा कुमार हरि भाई जी। आप बड़ौदा में अपनी सेवाएं देते हैं, सेवामयी कर्मयोगी जीवन जीने वाले अति प्रिय भ्राता हरि जी आज उन तक ले जा रही हैं, उनसे मिला रही हैं आपको रूहानी राहें। ब्रह्मा कुमार हरि भाई जी, आपका जन्म 5 सितंबर 1949 में गुजरात के वडोदरा में हुआ। आप वडोदरा में मिठाइयों का बिजनेस करते हैं। आपका जन्म एक धार्मिक व संपन्न परिवार में हुआ। वर्तमान में आप वडोदरा सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1978 में आपको ईश्वरीय संस्था का परिचय मिला। 38 सालों से आप ईश्वरीय सेवा में सेवारत हैं। शरीर का नाम हरि भाई है, बड़ौदा गुजरात से है। बाबा का ज्ञान 1978 में मिला। करीब 38 साल हो गए जब से हमें बाबा मिला। हमारे जीवन में बहुत ही खुशियाँ आई, बहुत शांति मिली, परिवार में एकता आई और अनेक प्राप्तियाँ हमें हुई। मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं ऐसी जगह पर गया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत शांति मिली, आप भी मेरे साथ चलिए। वो ज़रूर चलेंगे। वो हम पहले भक्ति मार्ग में भी उनके साथ में ही जाते थे। शिव परमात्मा में बहुत आस्था थी, हम पीली पत्र चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे। तो जैसे ही उनके साथ में हम आश्रम पर गए तो पहले दिन ही मुझे परमात्मा का परिचय मिला और मुझे संपूर्ण निश्चय बैठ गया कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति हूँ, परमात्मा परम ज्योति है, जो ज्योतिर्लिंग है वो शिव है, जिनकी यादगार हम ज्योतिर्लिंग बनाकर पूजा करते हैं। हमारे देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी यादगार है। तो पूरा मुझे परमात्मा में निश्चय पहले दिन से ही हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली और मैं उसका अभ्यास करते रहा। 7 दिन का मैंने कोर्स किया। तो जैसे जैसे मुझे कोर्स मिलता गया, मेरी सारी जो बातें थी वो दूर होती गई। पहले भक्ति मार्ग में हम गायत्री मंत्र का रोज पाठ करते थे, गीता का एक अध्याय मेरा रोज पढ़ने का होता था। फिर भी हम कौन है, परमात्मा कौन है, इसको हम जानते नहीं थे, खाली पढ़ने खातिर पढ़ते थे। लेकिन जब यहाँ पर आए तो हमें एक आत्मिक जागृति आई, हमारे अंदर एक रोशनी आई, हमारा अंधेरा ख़त्म हुआ और हमारे जीवन में खुशहाली का अनुभव हुआ। बिजनेस में भी बहुत चढ़ाव उतार हमारे अंदर आते हैं, हमारे ग्राहकों के साथ हमारी डीलिंग होती है, वर्कर्स जो हम आदमी काम पर रखते हैं उनके साथ होती है और हमारे जो जिनसे माल लेते हैं, जिनको देते हैं, उनसे भी हमारा लेना देना होता है।
तो उसमें भी काफ़ी टेंशन रहता था, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन रहता था, थोड़ी थोड़ी बात में जैसे गुस्सा आ जाना, किसी के साथ झगड़ा कर लेना, तो ये सारा जीवन जैसे एक अशांत में था, टेंशन वाला था। लेकिन जैसे बाबा का ज्ञान धीरे धीरे जीवन में आता गया तो हमारा, हमको लगा कि ये हमारे आदमी है, ये भी एक आत्मा है, ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना है। और हमारे जो कस्टमर आते हैं उनको हम जो जितना पैसा लेते हैं उस हिसाब से उनको हम आवश्यकता अनुसार चीज़ भी दें, अच्छी चीज़ दें, उनके स्वास्थ्य को नुकसान न हो, तो उस तरह से हमें धीरे धीरे उनका भी ध्यान आता गया। तो हमने देखा कि हमारे धंधे में उल्टी पहले से भी ज़्यादा वृद्धि हुई, और हम जितनी मेहनत पहले करते थे उससे कम मेहनत में भी हमें ज़्यादा सफलता का अनुभव होने लगा। थोड़ा समय बीता, हम बाबा की सेवाओं में भी आगे बढ़ने लगे, और जैसे थोड़ा समय हुआ तो वहाँ पर ऊपरी दुकान के ऊपर एक हमारा फ्लैट था, उसको हमें प्रेरणा ही अंदर से कि औरों का भी जीवन सुधरे, औरों का भी अच्छा लगे, औरों के जीवन में भी खुशहाली आए, परमात्मा का प्राप्ति हो, उस लक्ष्य को लेकर दादी जी से हमने राय ली और ऊपर का मकान सेवा केंद्र के लिए अर्पित किया। तो वहाँ भी बहुत अच्छा सेवा केंद्र बना, करीब 150-200 भाई बहन वहाँ आने लगे, और बड़े बड़े हमारे जो बड़े यज्ञ के बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, दादियाँ हैं, वो भी वहाँ थोड़े थोड़े समय पर आते रहते थे, तो हमें बहुत उनका भी लाभ मिलता था, बड़ी खुशी होती थी। तो इस तरह से हमारा जीवन बहुत सुख में बीतता गया और हम सेवाओं में आगे बढ़ते गए। माउंट आबू में भी हम हर साल आते थे, बाबा से मिलते थे, बाबा से वरदान हमको बहुत प्राप्त हुए। बाबा ने कहा, बच्चे तुमने बहुत अच्छी हिम्मत रखी है, बाबा की तुमको मदद भी है और सदा मदद मिलती रहेगी। आदरणीय बड़ी दादी जी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में हमको बहुत सेवाओं का भी चांस मिला, और दादी जी ने एक बार हमको मधुबन में तीन पैर पृथ्वी देने वालों को बुलाया, तो उनके शांति स्तंभ पर हमको दादी जी के हाथ से बहुत कुछ फल फ्रूट का नाश्ता भी मिला, उनके साथ ब्रह्मा भोजन मिला। एक बार दादी जी हमारे आश्रम पर वहाँ बड़ौदा आए, तो उस समय उद्घाटन 1987 में उद्घाटन हुआ मकान का, तो स्वयं दादी जी आए थे बड़े, तो हमें सौभाग्य मिला कि उनको सिक्के में भजन करने का। लेकिन वो दादी तो बहुत अमूल्य रत्न है, उनका तो कैप, लेकिन हमारी कैपेसिटी के अनुसार उस समय दादी जी के उद्घाटन में उनका सम्मान हमने सिक्कों से भजन करके किया, तो पूरा परिवार हमारा बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद आया। इतनी बड़ी दादी जी आज उनकी हमें याद आ रही है, तो ये भी सेवा का हमें बहुत चांस मिला। विदेश में भी हम कई बार सेवा करने गए, मेरा लक्ष्य रहता है कि कैसे सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सबको परिचय मिल जाए, जो आज अंधश्रद्धा में लोग हैं उनको कैसे भगवान का सत्य परिचय प्राप्त हो जाए, यही अंदर से हमेशा रहता है। इस लक्ष्य को लेकर मैं हमेशा, वैसे भी हमको यहाँ पर जो बताया कि यहाँ कोई नाति जाति धर्म का भेदभाव है ही नहीं, और भी कोई भी नाती के हमारे यहाँ ग्राहक आते हैं, कोई भी धर्म के आते हैं, लेकिन हम सबको सम्मान देते हैं, उनको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं कि सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब उसकी संतान है। वर्ल्ड ड्रामा है, हर एक का अपना पार्ट है, लेकिन कमजोरियों को देखते हुए भी हम किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखते, उससे हमारे जीवन में खुशी आती रहती है, परिवार में भी एकता रहती है, और समय समय पर और कार्य में भी सेवा में हम मददगार बनते रहते हैं। आप वडोदरा के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर गए और आपने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। पहले दिन से ही आपको संपूर्ण निश्चय हो गया। आपने मधुबन में अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात की। बाबा ने आपको वरदान दिया कि बच्चे तुमने बहुत अच्छी हिम्मत रखी है, आपको सदा बाबा की मदद मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हमको जैसे बाबा मिला तो जैसे सब कुछ मिला, धन्य धन्य हो गए हम, प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए। वैसे तो लोग परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, पूरे जंगलों में जाते तपस्या करते हैं, हमने भी पहले बहुत भक्ति की थी, लेकिन जब हमको ये ज्ञान मिला, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो हमें कहीं भटकने की भी आवश्यकता नहीं रही, और हम रोज अमृत वेला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शिव बाबा को प्रेम से याद करते हैं, तो सारी जैसे हमारी दिनचर्या सुचारू रूप से चलती है, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छी तरह व्यतीत होता है, हमें अनेक प्राप्तियों का अनुभव होता है, परिवार में भी सुख शांति रहती है, हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है, और मुझे बिजनेस में भी कई जगह जाने का मौका मिला। एक बार हम वलसाड गुजरात में गए थे, तो वहाँ पर एक मेरे को ऐसे दिया था निबंध लिखने के अंदर,
कि भी आपको तो उसमें भी मेरा फर्स्ट नंबर आया था, उसमें ये लिखा था कि आप ग्राहक के साथ किस तरह से देते हैं, कि ग्राहक को आप किस दृष्टि से देखते हैं। तो हमने ग्राहक लिखा कि ग्राहक वो हमारे अच्छे मित्र है, उनको हम भले पैसा दो पैसा कमाए लेकिन उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो ऐसी हम कोई चीज़ उनको नहीं खिलाए। कई कलर्स है, ऐसे वर्क्स है हम जो मिठाई में यूज करते हैं। तो हमारा ये बाबा का बनने के बाद हमारे जीवन में व्यवहार में भी परिवर्तन आया, नम्रता आई जीवन में, कुशलता आई, बोलने की कला आई, जो हम कुछ काम के नहीं थे, जो हमको कुछ आता नहीं था। तो बाबा ने हमको ये रोज मुरली सुनने से हमको ये सिखाया, हमारा जीवन उत्साहवर्धक बनाया। कई बार बाहर भी हमें बहुत सी जगह पर जाने का मौका मिला, एक शिकागो भी हम गए तो चर्च में भी हमने प्रोग्राम किए, तो उनको भी हम आत्मिक रूप से देखते थे, बाबा की मिठाई खिलाते थे, वरदान देते थे, रक्षा बांधते थे, तो उनको बड़ा आनंद आता था। तो बाबा का बनने के बाद हमारे अंदर से दोष दृष्टि निकल जाती है, कोई भी धर्म और मठ पंथ के देखते हुए हमें कुछ अलग महसूस नहीं होता है, हमको यही लगता है कि ये भी एक आत्मा है, ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनका भी अपना पार्ट है, हमारा अपना पार्ट है। तो इस तरह से हमारे जीवन में अनेक खुशहाली आती जाती है। खान मिल गई इतनी गहरी, सुंदर मिला दलाल, पलक झपकते बादशाह बन गए माला माल, हो गए माला माल, दुनिया कर ले जितने दावे, सब है माया जाल, सच्चा ज्ञान यहाँ पर मिलता, ज्ञान की है बस कमाल, कोड़ी जैसे आए थे बन गए बेमिसाल, बाबा आपकी कमाल। जैसे बाबा के गुण ही हम गीत गाते रहते हैं। जिंदगी तो ऐसे बहुत अलग अलग समय भी होता है, कभी मुश्किल भी होती है, कभी आसान भी होती है। तो जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, कभी खुशी तो कभी गम होता है, कभी मुश्किल तो कभी आसान होता है, लेकिन मुस्कुराते रहने से जिंदगी आसान होती है। और मुस्कुराना हमें यहाँ बहने सिखाती है, बाबा सिखाता है, हमारे सेवा केंद्र पर कोई भी आता है उसकी निःशुल्क सेवा यहाँ पर की जाती है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने रहने करने सिंपल सोवर बनाओ, अपना खाना पीना भी बहुत अच्छा बनाओ, शुद्ध बनाओ, सात्विक बनाओ। उससे हमारे मन को शांति रहती है, तन को शांति रहती है, हमारा जीवन निर्विघ्न पूरा होता है। तो इन्हीं बहुत बहुत खुशियों के साथ हमारा जीवन चल रहा है। हम सबसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप सबका भी जीवन इतना खुशमय शांत में बने, प्रेम में बने, उस प्रभु पिता जो परमात्मा है, जो अपने वायदे अनुसार इस भारत भूमि पर आया है, भारत को स्वर्ग भूमि देव भूमि बनाने आया है, हमारी भक्ति की पुकार सुनकर जो आया है, उस पिता को जरूर पहचानिए, अंतर की ज्योति जगाइए। हमारी ज्योति जगी है, इसलिए हम सब आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपना जीवन श्रेष्ठ बनाइए। यहाँ कोई धर्म मठ पंथ का ज्ञान नहीं है, एक आत्मिक ज्ञान है, भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का ये ज्ञान है जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन हम वहाँ शास्त्र पढ़ते लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। लेकिन जब हमारे अंदर ये रोशनी आ जाती है, हमारा अंदर दिया जल जाता है, आत्मा का तीसरा नेत्र मिल जाता है, तो हम अपने जन्मों को जान जाते हैं कि कैसे हम कहाँ से आए, परमात्मा कौन है, कैसे हम इस चक्र में आए, अब कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम बंधन में आए, कैसे विकारों के वश हो गए। घर गृहस्थ में रह करके, ऐसा कोई नहीं कि आप घर गृहस्थ को छोड़िए, आप सन्यासी बनिए, नहीं, घर को ही आश्रम बनाना है, घर को ही अच्छा बनाना है। घर के अंदर ही हमारे अंदर बुराइयाँ आ गई है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया है, उसको ही अच्छा बनाना है। तो उसके लिए सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, परमात्मा की याद में कर्म करते हुए उसको याद करने की शक्ति, ये सारी ज्ञान यहाँ पर बहुत सहज रीति से बहने देती है, वो अपना जीवन को पवित्र बनाती है। उन्होंने पूरे भारत को स्वर्ग बनाने की अंदर ठान ली है। ऐसी हमारी बहनों के साथ हम भी सेवा में थोड़ा समय निकालते हैं, घर गृहस्थ में रहकर दुकान परिवार में रहते हैं, कार्य व्यवहार भी करते हैं और सेवा में अपना थोड़ा बहुत तन मन धन भी लगाते हैं। आप विदेश में भी ईश्वरीय सेवाएं देते रहे, आप बिजनेस विंग के सक्रिय सदस्य हैं और देश विदेश में बड़े सेमिनार आयोजित करते हैं। आपके प्रेरणा स्रोत अव्यक्त बाप दादा और दादी प्रकाशमणि जी रही हैं, जिन्होंने सदा ही आपका उमंग उत्साह बढ़ाया और ईश्वरीय सेवा में सदा आगे बढ़ाने में सहयोगी हैं। अभी भी मधुबन में हम बार बार यहाँ आते रहते हैं और सेवाएं देते रहते हैं, सेवाएं लेते रहते हैं, बड़ों के आशीर्वाद मिलते रहते हैं हमें।
जगदीश भाई जी हमारे यज्ञ के बड़े भ्राता जी थे, उनके साथ भी हमको सेवा का मौका मिला। हमारे बड़ौदा में पधारे थे, आपका नेचर बहुत ही रमूजी था। आप बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बच्चे, आप माताओं बहनों का बहुत रिगार्ड रखते थे। वो हमने आपसे सीखा है हमने जीवन में, हम भी माताओं बहनों का बहुत रिगार्ड रखते हैं। वंदे मातरम जो हम कहते आए, तो यही है कि हम कैसे माताओं को आगे बढ़ाएं, बहनों को आगे बढ़ाएं, समाज में उनका नाम हो, रोशन हो। उन्होंने अपना, भारत माता ही स्वर्ग का द्वार है। आज तक हम सुनते आ रहे थे कि नारी तो नरक का द्वार है, लेकिन नहीं, शिव बाबा ने हमें बताया कि नारी तो स्वर्ग का द्वार है। इसलिए हम कहते पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले माता का नाम आता है। जितनी भी माताओं की पूजा वंदना होती है, वैसे हम पूजा करते हैं और नारी को वैसे धिक्कारते हैं लोग, तो ये नारी की जो अवहेलना हुई, इसलिए हमारे भारत भूमि को ये हालत हुआ है। तो फिर से हम माताओं बहनों की कैसे वंदना करें, कैसे उनकी इज्जत करें, कैसे उनका सम्मान करें, कैसे उनको अपना हक दिलाए, उनका हम ध्यान करें, कैसे उनको और बातों से बचाए, उनको सहयोग दे। परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर ही रखा है, है ना? इसलिए परमात्मा आकर के बहनों माताओं के द्वारा इस भारत भूमि को स्वर्ग भूमि देव भूमि बना रहे हैं। तो उस कार्य में अगर हम जितना भी थोड़ा सहयोग, थोड़ी अंगुली भी लगाएंगे, जैसे कहते हैं कि अंगुली से गोवर्धन पहाड़ उठ गया, तो एक अंगुली जितना हम मदद करेंगे परमात्मा के इस कार्य में, तो हमारा भी जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, हमें भी अनेक जन्मों की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा ये महान कार्य परमात्मा के द्वारा चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे 140 देशों में संस्था की ब्रांच है। और कौन सी, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोसा भी आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, उसके लिए भी ये सहज रीति से प्राप्त हो सकता है। दादी जी, गुलजार दादी जी हमारे जो है, उनके साथ भी मुझे मौका मिला। रायपुर हम एक बार गए थे, तो उनके साथ भी मुझे मौका मिला, उनके भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। वो मुझे कुमार, मैं वैसे अधर कुमार हूँ, लेकिन वो मुझे कुमार ही समझ रहे थे और कुमार कह के ही बुलाते थे कि तो बहुत छोटा है, बहुत कुमार जैसा लगता है। तो दादी जी का भी हमें वात्सल्य प्राप्त हुआ, बाबा की बहुत से वरदान हमें प्राप्त हुए, हमारे पूरे परिवार को प्राप्त हुए। परिवार को बाबा ने वरदान दिए कि तुम तो एक लकी परिवार हो, बहुत ऊँचा परिवार हो, बाबा की मदद हमें हमेशा रहती है। और हम सबको, हमारे पूरे परिवार को, सारे समाज को, देश को ऐसा मिले। हम सब जगह कोई भी भागवत सप्ताह होती है, कुछ भी होता है, तो हम वहाँ पर परमात्मा का संदेश देने बहनों को भी ले जाते हैं, हम भी जाते हैं कि कैसे सबको उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कैसे उस परम ज्योति का सबको दर्शन हो जाए, कैसे सबकी आत्मा की जो प्यास है अंदर से भगवान के लिए, वो सबकी बुझ जाए। यही प्रयास में हम रहते हैं। और भी हमें बहुत से हमारे भाई बहनों का, हमारी सेंटर्स की टीचर्स बहनों का भी हम कितना धन्यवाद करें। हमारी बहनें भी हमें समय समय पर बहुत सी प्रोत्साहन देती है, आयोजन करती है, एकता अखंडता ये सब हमारे यहाँ होता रहता है। तो और भी लिटरेचर के द्वारा भी सेवा, मेलों के द्वारा भी सेवा हम करते हैं, प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, शिवरात्रि पर लगाते हैं, श्रावण मास में लगाते हैं। हमारा लक्ष्य यही है, संस्था का लक्ष्य यही है कि कैसे परमात्मा का प्राप्ति सबको हो जाए, कैसे हमारे अंदर श्रद्धा से हम मुक्त हो जाए, कैसे हमारे अंदर से जो बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, वो दूर हो जाए, कैसे हम उस परमात्मा को पहचान ले और हमारा जीवन श्रेष्ठ में सुख में बन जाए। आप अपनी दिनचर्या का आरंभ अमृत वेला मेडिटेशन व ईश्वरीय ज्ञान के मनन चिंतन से करते हैं, जिससे आप अपने आप को हेल्दी व हैप्पी महसूस करते हैं। आप सदा ही मुस्कुराते रहते हैं। आप एक योगी जीवन जीते हैं व ईश्वरीय महावाक्यों पर मनन चिंतन भी करते हैं, जिससे आप शांत चित्त जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा की रोज ज्ञान मुरली हम सुनते हैं, योग करते हैं और औरों को संदेश देकर जीवन को धन्य बनाते हैं। परिवार में भी रहते हैं, हमारे सब बच्चे भी बाहर रहते हैं, दो बच्चियां हैं, वो भी बाबा की होकर के चल रही हैं। हमारा बच्चा भी वो सहयोगी है, भले दुकान संभालता है। मैंने भी अभी थोड़ा समय ही से दुकान में कम समय बैठता हूँ और ज़्यादा बाबा की सेवा का मुझे लक्ष्य रहता है कि कैसे जन जन को हम, उनका जीवन सुधरे, उनका स्वास्थ्य सुधरे, उनका तन मन ठीक हो, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। समाज को, परिवार को,
देश को और विश्व को कैसे शांति मिले, कैसे सुख में मिले, कैसे एकता का सूत्र सबको पढ़ाए कि हम एक परमात्मा के सब बच्चे हैं, एकता हमारा स्वधर्म है, हम आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, आत्मा का स्वधर्म ही प्रेम है, आत्मा का स्वधर्म ही आनंद है। तो जब हम उस परमात्मा को याद करते आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो ये सारे गुण हमारे अंदर जो सतोगुण जो सात गुण आत्मा के हैं वो धीरे धीरे जीवन में आने लगते हैं और हमारा जीवन सुख में शांति में बनने लगता है। अंदर से यही दुआ निकलती है कि अहो शिव बाबा, अहो प्रभु, हम तो आपको ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे, दर दर खोज रहे थे, आपने हमें अपना बना लिया और धन्य है आप, आपने हमको बनाकर हमारा जीवन सुख में शांति में बना दिया। तो किन शब्दों में हम आपका शुक्रिया करें और किन शब्दों में औरों की आपने जो हमें सेवा दी वो सबकी सेवा करते रहे, जन जन से आशीर्वाद लेते रहे, दुआएं लेते रहे, कर्मों को अच्छा बनाते रहे। यही जीवन का लक्ष्य अभी हमें मिल गया है कि कैसे इस जीवन को हम श्रेष्ठ बनाए, औरों की सेवा में लगाए और भारत भूमि स्वर्ग भूमि जो देव भूमि थी वो फिर से बनने वाली है। ये भी परमात्मा ने हमें बताया है कि कैसे वो धरा पर वो फिर से स्वर्ग भूमि आ रही है, उसका आह्वान हम करते हैं। तो आप सबको भी हम ये बताकर खुशी का अनुभव करके आप भी ऐसी दुनिया में चलने के लायक बनो। उसमें सिर्फ आपको यहाँ पर 7 डेज कोर्स होता है, सिर्फ परिचय परमात्मा का प्राप्त करें, अपने स्वयं को जानने का आप पुरुषार्थ करें तो आपका जीवन महान बन जाएगा, योगी बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएंगे, आपको खुशी मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। आपके जीवन का लक्ष्य है कि करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की यह है कला। आप माताओं और बहनों को बहुत सम्मान देते हैं, आप सदा परमात्मा की मदद का अनुभव करते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार की कथनी के आप जीवंत उदाहरण हैं। आप सरल स्वभाव के धनी हैं और सर्व के प्रति अपनेपन की भावना रखते हैं, जिसके कारण आप सर्व के स्नेही और सहयोगी हैं। आपका जीवन सभी को सकारात्मक, संतुष्टमयी व योगी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ईश्वर हमारा पिता है, यदि हम उनसे कुछ मांगते हैं तो हमें नवाज देता है और यदि हम सर्व के कल्याण हेतु उसके कार्य में सहयोगी हो जाएं तो वो हमें बेहिसाब देता है। और ऐसे ही अनेकों प्रभु प्राप्तियों से संपन्न भ्राता हरि जी से आपने की मुलाकात। हम आध्यात्मिक संपन्नता से भरपूर अनेक सच्चे अमीरों को आप तक यूं ही लाते रहेंगे और रूहानी राहें आपको दिखाते रहेंगे। ओम शांति, नमस्कार।